नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 6 अगस्त 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में आज क्या कुछ घटा है, पूरी जानकारी अपडेट हम आपको इसकी देने वाले हैं। शिक्षा विभाग में भर्ती होने वाली है, प्री नर्सरी टीचर्स और अन्य पदों पर शिक्षा विभाग में बड़ी भर्ती होने वाली है, सरकार से मंजूरी मांगी गई है। कोरोना का तांडव लगातार जारी और इसके साथ ही बागवानों और कांग्रेस ने कल एक प्रदर्शन किया था, क्या खबर है। और यूजीसी ने कॉलेजों को निर्देश जारी किए, क्या खबर है, इस पर भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। मणिमहेश यात्रा से जुड़ी हुई जानकारी आ रही है, इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव से जुड़ी हुई जानकारी आ रही है, इस पर भी हम आपको अपडेट्स देने वाले हैं। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बोलता हिमाचल आप यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे प्री प्राइमरी टीचर, मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा सचिव ने एनटीटी भर्ती पर की बैठक। हिमाचल में प्री नर्सरी टीचर के करीब 4,800 पद भरने के लिए शिक्षा सचिव मनीष गर्ग ने एलिमेंट्री शिक्षा विभाग के साथ शुक्रवार को बैठक की है। इस बैठक के बाद विभाग से भर्ती नियमों पर एक ड्राफ्ट मांगा गया है जो कल तक सबमिट हो जाएगा। शिक्षा सचिव ने भर्ती एनसीईटी के वर्तमान प्रावधानों के तहत करने को कहा है, इसलिए इसमें आउटसोर्स के बजाय अनुबंध पर भर्तियां हो सकती है, यानी कैबिनेट के सामने रखे जाने वाले ड्राफ्ट में सिफारिश की जा सकती है कि इन भर्तियों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर किया जाए। लेकिन यदि ऐसा हुआ तो अगले 2 महीनों में चुनाव आचार संहिता से पहले ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। एनटीटी के डिप्लोमा की अवधि को लेकर भी ड्राफ्ट में तभी क्लियर हो पाएगा जब ये सामने आएगा। एनसीईटी ने 1 साल के डिप्लोमा को मान्यता नहीं दी है, हालांकि विभाग की ओर से बनाए जाने वाले ड्राफ्ट को कैबिनेट में रखा जाना है, वहीं इस पर अंतिम फैसला होगा। शिमला में बागवानों और पुलिस में धक्का मुक्की, प्रदेश के 27 किसान बागवान संगठनों ने निकाली रैली। संयुक्त किसान मंच के बैनर तले प्रदेश के 27 किसान बागवान संगठनों ने शुक्रवार को राजधानी में नव बहार चौक से छोटा शिमला तक आक्रोश रैली निकाली। सेब बागवानों के सचिवालय के बाहर प्रदर्शन से पहले पुलिस बल तैनात कर छावनी में तब्दील की गई थी। पुलिस ने छोटा शिमला में सचिवालय के सामने बैरिकेडिंग कर सर्कुलर रोड बंद कर दिया था। डीजीपी संजय कुंडू ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया पूरी, अब 3 दिन लगेगी मेरिट लिस्ट, 10 से लगेगी कक्षाएं। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में एडमिशन का शुक्रवार को अंतिम दिन था, अब छात्रों के लिए शनिवार को मेरिट लिस्ट लगेगी। 3 दिन छात्र अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हो और इसके बाद 10 अगस्त से कॉलेजों में रेगुलर कक्षाएं शुरू होगी। इस बार कॉलेजों में सेशन भी लेट होगा। एचपीयू प्रशासन ने कॉलेजों में सीबीएसई के नतीजों के चलते 5 अगस्त तक कॉलेजों में एडमिशन की तिथि बढ़ाई थी। हालांकि अभी लेट फीस के साथ कॉलेजों में छात्रों को राह देने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। हिमाचल में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग का पूर्वानुमान 9 अगस्त तक झमाझम बरसेंगे बादल। प्रदेश में लोगों को अभी मौसम से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान में 8 अगस्त तक जमकर बारिश होगी और येलो अलर्ट जारी रहेगा। हालांकि आगामी 9-10 अगस्त को भी राज्य के अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। राज्य में पिछले 24 घंटों में अनेक स्थानों पर वर्षा हुई है। स्कूलों में होगी आधार की अपडेशन, आईटी विभाग यूआईडीए के साथ मिलकर लगाएगा कैंप। हिमाचल के स्कूलों में आधार के अपडेशन के लिए विशेष कैंप लगेंगे। आईटी विभाग ने यूआईडीआई के साथ मिलकर ये कैंप लगाने का फैसला लिया है। इसकी वजह ये कि बच्चों के लिए 15 साल की उम्र पूरा होने के बाद आधार अपडेट करना जरूरी होता है और इस अपडेशन में बायोमेट्रिक रिकॉर्ड को बदला जाता है। बच्चों के फेस इम्प्रेशन और फिंगरप्रिंट्स भी नए सिरे से रिकॉर्ड होते हैं। यदि स्कूलों में कैंप नहीं लगते तो राज्य में मौजूदा 350 आधार सेंटर पर ही अपडेशन कराई जा सकती है, लेकिन स्कूलों में इस काम को करने से बच्चों के लिए अपडेशन आसान हो जाएगी। इसका शेड्यूल जल्द जारी किया जा रहा है। कांग्रेस का संग्राम, सड़क से राजभवन तक घमासान, प्रतिभा सिंह बोली विपक्षी आवाज दबाने का हो रहा है प्रयास। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी में बढ़ोतरी और सेना में ठेका प्रथा यानी अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। शिमला में राजभवन के बाहर भी कांग्रेस ने जमकर हल्ला बोला। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता राजभवन पहुंचे थे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की साजिश कर रही है।
19 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगी मणिमहेश की यात्रा। उपमंडल भरमौर के मिनी सचिवालय भरमौर में एसडीएम भरमौर असीम सूद के अध्यक्षता में मणिमहेश मेले की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर सेक्टर ऑफिसर और उनकी टीम मेंबर के साथ मेले के आयोजन को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मेले के आयोजन को लेकर अपने सुझाव दिए। इस दौरान एसडीएम ने मणिमहेश मेले के दौरान नियुक्त किए गए सभी सेक्टर ऑफिसर और उनकी टीम मेंबर को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। मेले के दौरान उचित व्यवस्था को सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मणिमहेश यात्रा 2 साल के बाद शुरू हो रही है। इस बार मणिमहेश यात्रा 19 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक चलेगी। 5 से 11 अक्टूबर तक मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव। कुल्लू का सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव दशहरा इस वर्ष 5 से 11 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। ये जानकारी शिक्षा भाषा कला और संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को जिला परिषद सभागार कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा पर्व 2022 के आयोजन को लेकर बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है। उन्होंने कहा कि बीते 2 सालों तक दशहरा पर्व कोरोना महामारी के चलते केवल प्रतीकात्मक तौर पर मनाया जा सका, लेकिन इस बार दशहरा का आयोजन बड़े पैमाने पर और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसे आजादी के अमृत महोत्सव से जोड़ा जाएगा। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि सांस्कृतिक संध्याएं 2 साल बाद आयोजित की जाएगी। मुंत्रा हवाई अड्डे में जल्द मिलेगी ATR 42 विमान की सुविधा। एयर इंडिया की पूर्व क्षेत्रीय सहायक कंपनी अलायंस एयर ने अपने बेड़े में ATR 42 विमान कुल्लू मनाली हवाई अड्डे में शामिल कर लिया है, जिससे कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटकों व आम जनमानस को सुविधा मिलेगी व किराए में भी कटौती होगी। मंडी संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद और विधायक महेश्वर सिंह ने कहा कि जल्द ही पायलट इस विमान का टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए भुंतर स्थित हवाई अड्डे में परीक्षण करना शुरू कर देंगे। कांगड़ा के भद्रोहा में मिला ग्रेनेड डिफ्यूज करने के लिए बुलाई सेना। कांगड़ा जिले के भद्रोहा में शुक्रवार दोपहर को ग्रेनेड मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सेना ने मौके पर पहुंचकर ग्रेनेड को डिफ्यूज कर दिया। बता दें कि डमटाल थाना के तहत जलंधर पठानकोट राष्ट्रीय मार्ग के नजदीक भद्रोहा में ग्रेनेड मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर पुलिस थाना डमटाल के अतिरिक्त प्रभारी रमेश वैंस टीम सहित मौके पर पहुंचे और नूरपुर में तैनात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार शर्मा को सूचित किया। पुलिस ने ग्रेनेड मिलने वाले क्षेत्र को सील कर दिया। पुलिस ने ग्रेनेड को डिफ्यूज करने के लिए सेना के उच्च अधिकारियों से संपर्क साधा। छठे सेमेस्टर M2017 के नियमित रीअपेयर विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने जून जुलाई 2022 में संचालित करवाएगी छठे सेमेस्टर N2017 के नियमित रीअपेयर छात्र छात्रों का परिणाम घोषित कर दिया है। ये परिणाम विद्यार्थियों की सुविधा हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। शिक्षा विभाग में 2117 नौकरियां, टीएसटी के 1587 और स्कूल लेक्चरर के 530 पद भरने की तैयारी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हिमाचल के शिक्षा विभाग में 2117 नौकरियां जल्द मिल सकती है। एक तरफ पार्लियामेंट्री शिक्षा विभाग ने टीएसटी के 1587 पदों पर भर्ती के लिए सरकार से मंजूरी मांगी, तो वहीं दूसरी तरफ हायर एजुकेशन की तरफ से 530 पद स्कूल लेक्चरर के भरे जाने के लिए आग्रह किया गया है। इन दोनों मामलों में शिक्षा सचिव ने फाइल अनुमति के लिए वित्त विभाग को भेज दी है। अन्य जानकारी आप हमारे चैनल EN हिंदी पर देख सकते हैं। इसके लिए पूरी जानकारी अपडेट हमने आपको अलग से वीडियो में दी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की वोल्वो बसों के किराए में 30% तक छूट। HRDC की वोल्वो बसों में लोगों को ऑफ सीजन में किराए में 5-30% तक छूट मिलेगी। ऐसे दिल्ली और चंडीगढ़ जाने वाले लोग करीब सामान्य बसों के किराए के समान ही सफर कर सकते हैं। हालांकि ये किराया बस में सीटों के हिसाब से होगा। पहली 20 सीटों पर कोई छूट नहीं होगी, बीच में और पीछे वाली सीटों पर अलग से छूट होगी। परिवहन निगम ने लोगों को राहत देने के लिए फ्लेक्सी फेयर योजना शुरू की है। नेशनल अवार्ड के लिए प्रदेश के 3 शिक्षकों ने दी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। नेशनल अवार्ड के लिए प्रदेश से 3 शिक्षक ने अपनी प्रेजेंटेशन दी है। बीते वीरवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में प्रेजेंटेशन हुए है। इसमें जिला शिमला के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल दुरोगड़ा के शिक्षक वीरेंद्र कुमार, चंबा जिले के प्राथमिक स्कूल अनोगा के युद्ध भी टंडन और जिला बिलासपुर के भटिया स्कूल के मुख्य अध्यापक डॉक्टर रमेश कुमार शामिल हुए। इन शिक्षकों के नाम राज्य चयन समिति द्वारा नेशनल अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट कर केंद्र को भेजे गए थे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 2 लोगों की मौत, 780 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। इनमें कांगड़ा जिले में 50 साल की महिला और शिमला में 82 साल के व्यक्ति ने दम तोड़ा है।
वहीं बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 780 नए पॉजिटिव मामले आए हैं। बड़ी खबर, एडमिशन रद्द करवाने पर विद्यार्थियों की पूरी फीस होगी रिफंड, यूजीसी ने जारी किया आदेश। उच्च शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों द्वारा एडमिशन रद्द करवाने पर विद्यार्थियों की पूरी फीस रिफंड होगी। विद्यालयों के अलावा कॉलेजों या फिर अन्य उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने के बाद एडमिशन रद्द करवाने या फिर किसी अन्य शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने पर संबंधित विद्यार्थी की फीस वापस करनी होगी, इसको लेकर आदेश जारी हो गया है। यूजीसी ने इस मंथ में आदेश जारी करते हुए विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत प्रदान की है। यूजीसी की ओर से आदेश जारी होने के बाद अब साफ किए गए कि सत्र 2022-23 के दौरान अगर कोई विद्यार्थी 31 अक्टूबर 2022 तक अपने एडमिशन रद्द करवाता है या फिर माइग्रेट होता है तो उसकी पूरी फीस रिफंड होगी। इसमें शिक्षण संस्थान की ओर से कैंसिलेशन चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, बदल गया हिमाचल राज्य में 39,500 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार को बिलासपुर जिला पहुंचे। यहां उन्होंने हिमाचल के अस्तित्व के 75वें वर्ष के अवसर पर घुमारवी और झंडोता में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। यहां हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। झंडोता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के अस्तित्व के 75 वर्ष पूरे हो गए, जो कि प्रशंसा का विषय है। इन वर्षों में प्रदेश में बहुत कुछ बदला है। तब और अब के हिमाचल में बहुत अंतर है। पहले प्रदेश में 228 किलोमीटर लंबी सड़कें थी, आज 39,500 किलोमीटर। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन पर भी अपनी प्रतिक्रिया प्रकट की और कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। तकनीकी विद्यालय ने जारी किया बीटेक में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया का शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विद्यालय हमीरपुर ने बीटेक डायरेक्ट एंट्री में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले चरण की काउंसलिंग 11 अगस्त से शुरू होगी। तकनीकी विद्यालय के अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक कर रहे। समय पर FIR पर कार्यवाही करने में चंबा पुलिस को पहला रैंक। FIR और सड़क दुर्घटनाओं में त्वरित कार्यवाही करने पर चंबा पुलिस को प्रदेश में नंबर 1 रैंक मिला है। गृह मंत्रालय की तरफ से इसकी ऑनलाइन रैंकिंग होती है। इसमें चंबा पुलिस ने बेहतर कार्य करते हुए लोगों को समय पर पुलिस सहायता पहुंचाने के साथ ऑनलाइन इसकी रिपोर्ट भी दर्ज की है। इसके परिणाम स्वरूप चंबा पुलिस को पहला रैंक मिल पाया है। 15 अगस्त को 22 विद्यालयों को मिलेगा स्वच्छता पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश के 22 विद्यालयों को 15 अगस्त को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया जाएगा। संबंधित जिलाधीश विद्यालयों को ये पुरस्कार देंगे। इस दौरान समग्र श्रेणी के 16 विद्यालयों व उप श्रेणी के 6 विद्यालयों को ये राज्य स्तरीय पुरस्कार मिलेगा। हाल ही में प्रधान सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा गहन जाँच के बाद उक्त 22 विद्यालयों का चयन किया गया है। PHM द्वितीय और छठे सेमेस्टर परीक्षाओं की डेट सीट जारी। हिमाचल प्रदेश विद्यालय ने बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट BHM द्वितीय और छठे सेमेस्टर रेगुलर रीअपीयर परीक्षाओं की डेट सीट जारी कर दी है। डेट सीट के अनुसार ये परीक्षाएं 24 अगस्त से शुरू होगी और 9 सितंबर तक चलेगी। विस्तृत डेट सीट विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है।